नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गरियाबंद में राजिम मंडल के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शुक्रवार को यादव धर्मशाला में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है, चाहे वो राजनीतिक दल का हो या फिर प्रशासनिक सेवा का। पार्टी के कार्यकर्ता देव तुल्य हैं, आपसे ही पार्टी की पहचान होती है। कहा कि क्षमता हर किसी के भीतर है, प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है। सामान्य व्यक्ति बड़े से बड़े पद में बैठने लायक बन जाते हैं, यहाँ से जब आप जाएंगे तो अपने आप में खुद ही बेहतर महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर बरसते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये सरकार झूठे मामले बनाती है, FIR कर रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जोगी के आतंक को भी देखा है। पार्टी के कार्यकर्ता आपातकाल की पीड़ा को भी भोगा है। इंदिरा गांधी की तानाशाही के चलते कई हजारों हजार कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया था। कहा कि सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कई बार नाम लेकर कहा कि गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाने वाले, गीता पे हाथ रखने वाले अपने वादे से मुकर गए हैं। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, माताएं बहनें इससे प्रभावित हो गई हैं। अब पता चल रहा है कि भूपेश बघेल ने कैसा झूठ बोला है। भूपेश जैसा लबरा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अब तो घर पहुंच सेवा चल रहा है, 30% अवैध शराब बेच रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। किसानों के बोनस देने में इनके पसीने छूट गए हैं। 2 साल में ही ये सरकार हफर गई है, पैसा दे भी रही है तो हफर हफर के नवयुवकों को छला गया है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, मुझे बता दें कि किस युवक को बेरोजगारी भत्ता मिला है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए काम का ये भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे हैं। 10,000 का रेत 35,000 में मिल रहा है, 25,000 भूपेश टैक्स है। ये सरकार लुटेरी सरकार है। छत्तीसगढ़ में 2 साल में त्राही त्राही मच गई है। डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा का वृत्तांत भी बताया। कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी को जन्म दिया है। ये पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है, हमारे संस्कार में है, DNA में है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। डॉक्टर सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। चुनाव के लिए बचे 3 साल तक एक भी दिन घर में नहीं रहेंगे, सरकार की खामियों और दगाबाजी को जनता को बताएंगे। बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो हम लोगों ने 15 साल में लगातार सरकार चलाने के बाद, जबकि नई सरकार थी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, नया काम था, उसके बाद 15 साल में 45,000 करोड़ का लिया, 2.5 लाख करोड़ का। अभी 2 साल में है 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है सरकार। आर्थिक दिवालिया बदल शुरू जा रहा है। पूरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। नए सड़क, नए पुल, नए पुलिया बनाने की बात तो छोड़ दी, एनुअल रिपेयर के लिए पैसे देने की स्थिति सरकार के पास नहीं है। जो सड़क बन गए, कल मैं भूपेश जी के साथ बैठा था, मैंने वही कहा कि 15 साल में क्या है, 1,200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब हम लोग सरकार में आए 2003 में था।